घूमने फिरने के शौकीन भारतीय हमेशा से रहे हैं, और अगर बात करें विदेश यात्रा की तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है दुबई। यानी हर भारतीय ये जरूर सोचता है कि वो एक ना एक बार दुबई जरूर जाए, विश्व की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार बुर्ज खलीफा देखे। दुबई जाना काफ़ी महंगा होता है और सब लोगों का शौक होता है कि वो जाएं, तो दुबई घूमना महंगा तो है लेकिन आप जा सकते हैं सस्ते में। सस्ते में आप जा सकते हैं IRCTC की तरफ से, तो भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम है, उसको IRCTC कहते हैं, और UAE की यात्रा के लिए एक ख़ास पैकेज लेकर आया है वो भारतीयों के लिए। इसके तहत आपको सिर्फ 55 से लेकर के 65,000 रुपये पर सवारी देना होगा, और वो आपको दुबई और अबू धाबी का टूर कराएंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या होगा, कितने दिन का ये टूर पैकेज होगा, उसके बारे में हम आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। IRCTC के अनुसार अगर बात करें तो दुबई और अबू धाबी का ये टूर पैकेज 5 दिन और 4 रातों का होगा। इसमें पर्यटकों को बुर्ज खलीफा विजिट कराया जाएगा, इसके साथ ही लोग क्रूज राइड का भी मज़ा ले पाएंगे। पर्यटकों को मिरेकल गार्डन भी ले जाया जाएगा। टूर पैकेज की एक और ख़ास बात यह है कि लोग बेली डांस का लुत्फ़ लेते हुए गाला डिनर का आनंद भी ले सकेंगे। वहीं पर्यटकों को समुद्र की सैर कराते हुए विश्व भर में प्रसिद्ध मस्जिद समेत कई साइट भी दिखाई जाएंगी। खरीदारी शॉप के शौकीनों के लिए तो दुबई शानदार जगह मानी जाती है। ऐसे में आपका बजट न बिगड़े यह देखते हुए आप जमकर खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, मुंबई से आप जा सकते हैं, 25 दिसंबर की डेट है और जनवरी में भी एक डेट अवेलेबल है, और लगभग 40 सीट्स होती हैं एक फ्लाइट के अंदर, एक ट्रिप के अंदर। और दोस्तों, जयपुर से भी ये पैकेज है, जयपुर से आप लोग जा सकते हैं 16 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी, यानी ये 5 दिन का टूर होता है जिसमें 5 दिन का स्टे IRCTC कराती है, होटल से लेकर के मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और डिनर सब IRCTC के अंडर में आता है, उसी अमाउंट में आता है जो आपने पे किया है। और दोस्तों, आने जाने का वहाँ पर जो लोकल है वो भी वो अपने ही उसे घुमाते हैं, अपनी ही गाड़ी से घुमाते हैं। तो दोस्तों, ये जो बात करेंगे ये कितने का पड़ेगा, इसका खर्चा, इस पैकेज के लिए आप अकेले यात्रा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, यानी 65,910 रुपये के आसपास। जबकि अगर आप एक या दो से ज़्यादा व्यक्ति जाते हैं तो डिस्काउंट प्रति व्यक्ति कम होता चला जाता है, यानी अगर आप 2 व्यक्तियों के साथ जाते हैं तो पर मेंबर कॉस्ट करेगा 57,020 रुपये, और अगर आप 3 व्यक्ति के लिए खर्च करना चाहते हैं तो पर व्यक्ति पड़ेगा 56,755 रुपये। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। अगर आप पूरे परिवार के साथ यानी 2 से 11 साल के बच्चों को भी ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पूरा खर्च उठाना पड़ेगा, यानी अगर बेड लेते हैं होटल के अंदर तो 56,320 रुपये बैठता है, और बिना बेड के साथ 51,390 रुपये का चार्ज लगता है। काफ़ी सस्ता पड़ेगा। अगर हम बात करें आने जाने का तो 20 से 25 हज़ार रुपये आने जाने का खर्चा बैठता है एक आदमी का, और वहाँ स्टे करना, फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी पड़ती है वहाँ पर, जो कि सब इसमें ऐड है। और आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा और साथ में डिनर भी मिलेगा, और घूमने ले जाने के लिए सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। तो ये काफ़ी सस्ता पैकेज है दुबई के लिए। तो दोस्तों, दुबई जा रहे हो तो खास बातें हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं, वो है भद्दे या गैर वाजिब इशारे या गलत व्यवहार ना करें, पब्लिक प्लेस पर चुम्बन की इजाज़त नहीं है, सोशल मीडिया पर अपमानजनक भाषा का पोस्ट ना कर सकते आप, सड़कों पर या सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने की मनाही है, बिना इजाज़त आप किसी की फ़ोटो नहीं खींच सकते, किसी भी महिला की। तो ये चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। तो दोस्तों, ये था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।